वेलकम इन माइंड एक्सपर्ट। दोस्तों मैंने हैकर रैंक के वेबसाइट पर हैकर रैंक पर जावा बेसिक सर्टिफिकेट का टेस्ट दे करके ये सर्टिफिकेट प्राप्त किया और आज हम जा रहे हैं यहाँ पे CSS का सर्टिफिकेट लाइव यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो क्या करना है, आप जैसे ही हैकर रैंक की वेबसाइट पर आइएगा सबसे पहले आपको रजिस्टर यहाँ पर कर लेना है एज ए स्टूडेंट। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जैसे आप लॉगिन करेगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपको जाना है यहाँ पे सर्टिफाई के ऑप्शन पे। सर्टिफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे ऑप्शन है, आप जिस किसी भी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करके टेस्ट दे करके सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो आज यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे जावा का बेसिक सर्टिफिकेशन यहाँ पे ले चुका हूँ और आज लेकर यहाँ पे CSS का टेस्ट एनरोल करने वाले हैं। CSS का टेस्ट दे करके CSS का सर्टिफिकेशन को प्राप्त करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लाइव यहाँ पे टेस्ट देने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है गेट सर्टिफिकेशन पे। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए टेक द हैकर रैंक स्किल टेस्ट, इस पर क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करेगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें कि आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम और सारा कुछ यहाँ पे सही सही डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड जैसे ही करिएगा यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा अगर ये सारा इंफॉर्मेशन सही जो आपने यहाँ पे डाला था। उसके बाद यहाँ पे टैग टेस्ट पे क्लिक करिएगा। टैग टेस्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है वेलकम टू हैकर रैंक CSS स्किल सर्टिफिकेशन टेस्ट, जिसमें कि टेस्ट ड्यूरेशन रहने वाला है 20 मिनट और 8 क्वेश्चंस होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करते जाएंगे और यहाँ पे सारा टर्म एंड कंडीशन को सिलेक्ट करके स्टार्ट एंड एग्री एंड स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली हम लोग का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है टेस्ट का। देखिए यहाँ पे 8 क्वेश्चन है CSS का और सबको सॉल्व करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व पे क्लिक के इसमें कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग वुड क्रिएट अ बिलो एनिमेशन। तो ये जो एनिमेशन एनिमेट हो रहा है कौन सा CSS का प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई करेंगे तो ये सा एनिमेशन क्रिएट होगा। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, 50 इसका ऑप्शन हो जाएगा बी एंड सी हो जाएगा दोनों। कहा कि आप देखिए दोस्तों ग्रेबल ओवर यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे स्केल टू ट्रांसफॉर्म यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन इसमें 500 ms लग रहा है यहाँ पे ऐसा है तो 0.5 दोनों सेम ही थिंग है ठीक है ना, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रू अबाउट CSS प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो नीचे दिया गया है इसमें कड़ा कौन सा CSS प्रॉपर्टी के लिए ट्रू है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट कंटेंट। ऑब्जेक्ट फिट डज नॉट फर्स्ट ऑब्जेक्ट कंटेंट ऑब्जेक्ट कवर अवॉइड। आई थिंक इसका होना चाहिए ऑब्जेक्ट फिट कवर अवॉइड्स। तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी, आई थिंक 2 नंबर का प्रॉपर्टी है जो कि मैच नहीं कर रहा है ऑब्जेक्ट फिट कंटेंट प्रोग्रेस। नेक्स्ट चलते हैं CSS नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है इफ एन एलिमेंट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एलोकेटेड विथ हाउ डू यू ट्रंकेट द सेंटेंस विद अ एलिप्सिस विथ यूजिंग CSS। फॉर एग्जांपल हेलो आई एम एलिमेंट माय विद लार्जर देन कंटेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाना चाहिए वाइट स्पेस, ये तीसरा नंबर का ऑप्शन सही है लग रहा है हमको। नेक्स्ट करते हैं CSS टेक्स्ट क्लरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लोइंग रेंडर्स ऑफ द टेक्स्ट रेड, तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज करके टेक्स्ट रेड हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों देखिए लास्ट का जो 2 प्रॉपर्टी है ये इसमें क्या ID यूज किया गया है, तो हैशटैग स्टार्ट होगा ID को डिनोट करने के लिए। उसके बाद कलर रेड ये तो हो जाएगा, उसके बाद ये भी हो जाएगा क्या कि हम लोग यहाँ पे पूरे पैराग्राफ को ही रेड कर रहे हैं इम्पोर्ट कर रहे हैं।
इम्पोर्टेंट, और यहाँ पे हैशटैग को फिर से कॉल कर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं सी एस एस सेलेक्शन का। सी एस एस सेलेक्शन का प्रॉपर्टी में देखते हैं दोस्तों क्या है। तो हाउ डू यू प्रिवेंट द यूजर फ्रॉम सेलेक्टिंग द टेक्स्ट रेंडर इनसाइड द फ्लोइंग एलिमेंट। यहाँ पर दिया हुआ एक पी टैग के अंदर कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इसको सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। हम लोग इसको सेलेक्ट कैसे करेंगे, पी यूजर सेलेक्ट, इसमें कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया गया, इसलिए हाउ डू यू प्रिवेंट द यूजर फ्रॉम सेलेक्टिंग। आई थिंक इसका ऑप्शन सी हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं इनपुट प्लेस होल्डर। तो इसमें क्या करा है, प्लेस होल्डर, इनपुट का प्लेस होल्डर क्या, इनपुट होगा प्लेस होल्डर होगा, उसके बाद कलर ट्रांसपेरेंट, इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं सात का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन पोजीशन टू डिव विद द क्लास नेम चाइल्ड एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द पेज। तो पेज के सेंटर पर लाने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी इसमें से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ आप देखिए दोस्तों लास्ट का प्रॉपर्टी यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एब्सोल्यूट टॉप से और लेफ्ट से 50-50 दिया हुआ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म को ट्रांसलेट कर दिया -50% -50%, तो ये एग्जैक्ट हमको लग रहा है तो यही होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, काहे कि बेसिक टेस्ट हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे। सी एस एस वर्टिकल अलाइन, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑफ द फ्लोइंग ट्रू अबाउट द सी एस एस प्रॉपर्टी वर्टिकल अलाइन। वर्टिकल अलाइन के लिए कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रू है, तो वर्टिकल अलाइन टेक्स्ट बटन पी इमेज, पी टैग में इमेज को यहाँ पी टैग इमेज में वर्टिकल अलाइन टेक्स्ट बटन, ए हो जाएगा। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था इसलिए हम लोग इसको फास्ट में बना दिए हैं। तो अब इसको सबमिट करते हैं। तो यस क्लोज टेस्ट, हम लोग टेस्ट को क्लोज करने वाले हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर रहा है, थैंक यू फॉर टेकिंग टेस्ट, तो ये बता दिया गया है कि थोड़ा सा 30 मिनट के अंदर मेल पे क्या हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि हम लोग का क्वेश्चन कितना सही बना और हम लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं। अगर मैक्सिमम सही होगा तो मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम सही बना होगा, तो सर्टिफिकेट ज़रूर मिलना चाहिए, तो मैं आप लोग को सर्टिफिकेट दिखाऊंगा। तो अभी जो टेस्ट दिए थे थोड़ा सा वेट करना पड़ा, लगभग 20 मिनट मैंने वेट किया। उसके बाद यहाँ पे मेल पे मैसेज आ गया, कंग्रेचुलेशन यू हैव पास द हैकर रैंक स्किल्स वेरिफिकेशन टेस्ट। और यहाँ पे व्यू सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ और ये मेरा सर्टिफिकेट रहा सी एस एस का सक्सेसफुली। दोस्तों अभी अभी देखिए 4 अप्रैल 2023 सर्टिफिकेट यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों आप भी इस तरह से सर्टिफिकेट पा सकते हैं सी एस एस का। आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और कोडिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।